नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में और बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। ऐसे 3-3 फंदे गिनेंगे तो एक भी फंदा अधिक नहीं होना चाहिए, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं और ये डिज़ाइन पहले लाइन से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। तो पहली लाइन में हम 3 फंदा एक कलर से बुनेंगे और अगले 3 फंदे हम दूसरे कलर से बुनेंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा एक कलर के ऊन से और 3 फंदा दूसरे कलर के ऊन से। इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 फंदा एक कलर के ऊन से, 3 फंदा दूसरे कलर के ऊन से, 3 फंदा एक कलर के ऊन से, 3 फंदा दूसरे कलर के, इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड में जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर के ऊन से हम उल्टा बुन लेंगे, यानी 3 फंदा एक कलर के ऊन से उल्टा और 3 फंदा दूसरे कलर के ऊन से उल्टा। अब ये जो 2 लाइन है वो हमारे डिज़ाइन का लाइन नहीं है, बल्कि डिज़ाइन का बेस लाइन है। अब इन 2 लाइनों को हमें दोहराना नहीं है। अब तीसरे लाइन से हमारा मेन डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो इन 3 फंदों में पहला फंदा जिस रंग का है उसी रंग के ऊन से हम सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा दूसरे कलर के ऊन से सीधा। फिर ये तीसरा फंदा है वो भी जिस कलर के ऊन से है उसी कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं 3 फंदों को अब देखिए, अब ये जो 3 फंदे हैं, तो पहला फंदा जिस कलर के ऊन से बुना गया है उसी कलर के ऊन से सीधा बुना जाएगा और मेन दूसरा फंदा जो है बीच का फंदा है वो अपोजिट कलर से। इस तरह हमारा एक फंदा एक रंग के ऊन से सीधा होगा और दूसरा फंदा दूसरे कलर के ऊन से सीधा होगा। ध्यान ये देना है कि 3 फंदों में पहला फंदा जिस कलर से हो उसी कलर के ऊन से सीधा होना चाहिए और जो मिडिल फंदा है वो दूसरे कलर के ऊन से सीधा होना चाहिए। 3 फंदों में पहला फंदा काले कलर के ऊन से है तो काले कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे और दूसरा कलर फंदा बीच का फंदा दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में देखिए, पहला फंदा काले रंग से है तो अब इन 3 फंदों को हम काले रंग से बुनेंगे। तो 3 फंदा हमारा हो गया। अब देखिए, ये दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए, ये इस कलर के ऊन से है, दूसरे कलर के ऊन से है, तो दूसरे कलर के ऊन से 3 फंदे बुने जाएंगे। तो अब हमारा 3 फंदा एक कलर के ऊन से उल्टा हो जाएगा और 3 फंदा दूसरे कलर के ऊन से उल्टा। देखिए, ये 3 फंदे हैं तो काले रंग के ऊन से उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। 2 ही लाइन का ये डिज़ाइन है। एक बार फिर से देखिए, अब ये इस तरह लाइन बनता चला जाएगा। तो देखिए, ये
हमारा पहला फंदा काले कलर के ऊन से है तो हम इसे काले रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे। मिडिल वाला फंदा दूसरे कलर के ऊन से सीधा, फिर तीसरा फंदा काले रंग के ऊन से सीधा। ये एक डिज़ाइन ख़त्म होता है। अब यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो ये देखिए जिस कलर के ऊन से ये पहला फंदा है उस कलर के ऊन से बुनेंगे, मिडिल वाला फंदा दूसरे कलर के ऊन से, फिर पहले रंग के ऊन से, फिर यहाँ पे दूसरे रंग के ऊन से। मिडिल फंदा हमेशा डिज़ाइन के दूसरे कलर के ऊन से बुना जाएगा। तो पहली लाइन में हमारा एक फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा हो जाएगा, दूसरा फंदा दूसरे कलर के ऊन से सीधा। बस हमें ये ध्यान देना है कि डिज़ाइन किस कलर से स्टार्ट हो रहा है। जब पहला हम बुन लेंगे तो उसके बाद हमारा अल्टरनेट ऐसे एक कलर से, दूसरे कलर से, फिर एक कलर से, दूसरे कलर से, ऐसे होता जाएगा। और रॉन्ग साइड से देखिए, अब ये डिज़ाइन ऐसे आ रहा है तो तीनों फंदे हमारे एक कलर से बुन लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे अब ये डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे कलर के ऊन से। डिज़ाइन बेहद आसान है और बेहद खूबसूरत। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। बनने के बाद डिज़ाइन बेहद खूबसूरत रहेगा। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे, प्रोजेक्ट की ये शोभा बढ़ा देगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह ये डिज़ाइन ऊपर की तरफ बनता चला जाएगा। और देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बेहद आसान और बेहद खूबसूरत है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।